So this is my dress. Hello guys, welcome to my new vlog. This is your Pooja the Rajput. And आज का vlog base है हमारा एक award ceremony पे और जो कि करवा रहा है KN Production by Gunita Bindra ma'am. और मेरे जो दिन की शुरुआत हुई थी ना वो personally मेरी favorite जगह मतलब हम सभी लड़कियों की वैसे ही favorite होती है सलून से हुई थी. Makeover के साथ सुंदर सुंदर तैयार होना था और जो हमारे makeover sponsors थे वो थे Grace Beauty Saloon. This clip is from Ludhiana और basically मैं लुधियाना से ही हूँ तो जो Grace Beauty Saloon है उन्होंने हमें हमारा ये जो सेरेमनी था वो स्पॉन्सर किया था. ये देखो मैं लंबे लंबे नाखून लगा के चुड़ैलों की तरह तैयार हो चुकी हूँ और मेरा हेयर स्टाइल भी बन चुका है. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने एक हाई पोनी ट्राई की थी ट्रेडिशनल के साथ एंड दिस इज़ द एम्बियंस गाइस. लुक एट दिस ग्रेस वालों का ना इतना प्यारा एम्बियंस है. इतने प्यारे मेकअप आर्टिस्ट हैं हेयर स्टाइलिस्ट हैं एंड इतना प्यारा वर्क है. यू विल सी लेटर मेरी वीडियोस. आप जैसे जैसे मेरा व्लॉग बढ़ता रहेगा आगे आप देखते रहोगे कि मेरा मेकओवर मेरा हेयर स्टाइल इतना फैबुलसली उन्होंने किया है कि मतलब आई तो रियली लव्ड इट. सी गाइस दिस इज माय फाइनल लुक. सो गाइस आई एम डन विद माय मेकअप एंड विल शो यू माय फुल लुक इन सम टाइम. सो गाइस वी आर ऑल रेडी टू गो टू आवर लोकेशन विद आवर ब्यूटीफुल होस्ट. हाय Do come to the show, the Borgo. But you vlog baad mein lega. No worries. Hello. सो गाइज फाइनली वी रीच द लोकेशन. दिस इज़ द बॉर्गो. ये गिल रोड पे है एंड इनका भी एम्बियंस इतना प्यारा है इतना स्पेशियस है. पूल है हर्ट्स है सब कुछ है भाई यहाँ पे मतलब मज़ा आ गया. और ये है हमारे राजू फोटोग्राफी. इनके साथ मैंने बड़े शूट्स किए हैं एंड आई एम लकी टू सी हिम हेयर अगेन. और आज मैं बहुत ज़्यादा शूट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो एंड मेरे मैक्सिमम शूट्स मैंने इनके साथ किए हैं एंड आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद हिम. एंड ये है हमारे क्यूटी क्यूटी छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स. एंड ये है हमारे शो के होस्ट जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट हैं. बच्चे है ना थोड़ी स्मार्ट लगना है. एंड गाइज जो हमारे ड्रेसेस पार्टनर थे जिन्होंने हमारे को ड्रेसेस स्पॉन्सर की थी वो है इनायत. घुमार मंडी में इनका शोरूम है बाटा शोरूम के नीचे. इनकी ड्रेसेस इतनी प्यारी थी ना इतनी कंफर्टेबल इतनी प्यारी आप लोग देख ही सकते हो यार कितना प्यारा शूट हुआ है. सी द ड्रेसेस गाइज इतनी प्यारी ड्रेसेस थी इनकी. आई लव टू रिप्रेजेंट देयर ड्रेसेस. या जे पानी होए पा सकते हैं हाँ. So guys, ये पोजिंग चल रही है. सोनी आ रही है ना बैकग्राउंड सोना लग रहा है. हेलो क्यूटीज. हेलो. आई एम वेरी नर्वस बिकॉज ऑफ द रैम क्योंकि एक्टिंग तो कर लेते हैं हम. रैम मैंने रैम की हुई है बट मेरा बहुत लंबा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अड़ के गिर ना जाऊँ कहीं रैम पे. बट टच फुट टच फुट ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं मैनिफेस्ट जो करती हूँ ना वो हो जाता है तो आई विल नॉट मैनिफेस्ट इट. आई विल डू इट वेरी गुड. मैं बहुत अच्छे से करूँगी एंड सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं यार. सो या ऑल द बेस्ट टू मी. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हेयर स्टाइल किया है. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I'm doing this with traditional, so I don't know how it is looking. So just let me, guys, especially about my hairstyle, कि मुझ पे कैसा लग रहा है, okay? जो भी ये इवेंट है, ये अवार्ड फंक्शन है, this is from Gunita Bindra ma'am. She is very beautiful, very supportive lady, and उनका production house है जो जिसका नाम है KN Production. एंड उसके अंडर ये इवेंट हो रहा है. प्यारा इवेंट है यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. इट्स नॉट एन इवेंट फॉर मॉडल्स ओनली कि लंबे लंबे मॉडल्स ही सिर्फ रैम कर सकते हैं. नो इट इज़ फॉर द टैलेंट. आपके अंदर कोई भी टैलेंट है आप ब्लॉगर हैं आप एक्टर हैं आप एंटरप्रेन्योर हैं आप बच्चे हैं
तो ये लोग सबको मौका दे रहे हैं टू रिप्रेजेंट देयर टैलेंट. सो दिस इज लाइक, क्योंकि हम मोस्टली सुनते हैं कि रैंप है तो भाई आपकी हाइट 6 फिट होनी चाहिए, आपकी हाइट 5-8 होनी चाहिए. सो ये जो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी है तो मुझे बहुत पर्सनली, क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ गाइस, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई. सो यार दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट जो ना यहाँ पे एनर्जी भर रही है, पॉजिटिव एनर्जी सब में. मैं देख रही हूँ कि हर लाइक बहुत लंबे लड़के भी हैं, ठीक है, शॉर्ट लड़के भी हैं, मिड हाइट वाले लड़के भी हैं, बहुत लंबी लड़कियाँ भी हैं, मिड हाइट वाली लड़कियाँ भी हैं, ठीक है, एंड पतली लड़कियाँ भी हैं, चब्बी सी क्यूट सी लड़कियाँ भी हैं. सो दे आर क्रॉसिंग द बैरियर्स लाइक, जो मुझे तो मज़ा आ गया ये कॉन्सेप्ट देख के. सो गाइज ऐसे कॉन्सेप्ट होने चाहिए. सो ये ग्रुप फोटो हो रही है गाइस. ये स्नैक्स लगे हुए हैं, सॉरी मैं व्लॉग बना रही हूँ. यहाँ सबको भूख लगी है, सब लोग थक चुके हैं शूट कर करके. सो कौन बोलता है मॉडल्स हेल्दी खाते हैं, मॉडल्स ये खाते हैं. अच्छा तुम हेल्दी खा रहे हो, ये नहीं खाओगे, खाओगे ना तो ये हेल्दी खाएं, देखो ये तो क्रिस्पी है. तो गाइस अब भूख लगी है. We'll have left, something to eat. Left side, right? Stay connected. Oh my God. So. Hello, ma'am. बहुत प्यारे लग रहे हो. Thank you. Hi, sir. कैसे हो जी? कुछ अच्छी डाल दी. So guys, we are all ready to hit the ramp in some time. She's nervous. Yes. But सबसे ज़्यादा practice इसने की है and she'll do best. सिखाया, सिखाया भी है सबको ना. हाँ आपने सिखाया मुझे. इसने बच्चों को सिखाया है. तो गाइस मैंने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया वॉक का. आई डोंट नो मैंने कैसा किया बट मुझे तो लगता है मैंने अच्छा किया. और मतलब अभी मैं डालूंगी, अभी तो मैंने फोन में वीडियोस नहीं है क्योंकि फ़ोन्स मैंने किसी को दिए नहीं थे. सो जब वो क्लिप मेरे पास आएगी तो अगर मैंने तब तक ये व्लॉग नहीं डाला होगा तो मैं फिर एडिट करके इसके आगे वो वीडियो डालूंगी. बट मुझे लगा कि मैंने ठीक किया बट अभी पता नहीं. अभी सेकेंड राउंड अवार्ड का है तो अवार्ड लेने जाऊँगी. तो मुझे मज़ा आया, बहुत टाइम के बाद मैंने रैम्प किया, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, मतलब 5-6 साल के बाद मैंने रैम्प किया एंड आई लाइक्ड इट एंड मुझे बहुत मज़ा आया. या गाइस मेरे साथ यहाँ पे फ़िलहाल कोई था नहीं तो मैं ज़्यादा रील्स बना नहीं पाई हूँ, फ़ोटोज़ भी नहीं खींच पाई फ़ोन पे, बट बस उस पर खींची है कैमरा पे, जो प्रोफेशनली खींचे हैं वो खींचे हैं. सो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई खुद को. होप सो कि मुझे मिल जाए फ़ोटोज़ टाइम पे ताकि मैं शेयर कर पाऊँ. मैं अकेली डिवाइज एंड मैं बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना सकती हूँ. सो या बाकी सब तो ग्रुप में कर रहे हैं एक दूसरे की हेल्प, बट देखती हूँ मैं कैसे बनाऊंगी रील. तो गाइस इतने दिन बाद मैं वापस राजस्थान में मिली है ना, सीखते हैं शूट कर रहे हैं. सर किवें रहा अजे तक एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत देर बाद मिली पूजा, बहुत मजा आया जी नाल काम करके, बहुत ही सोना काम करवाया इन्होंने शूट के अंदर, था मजा आंदा है जी नाल काम करके. तो गुनीता मैम दा शो बारे? हां गुनीता मैम दा शो बहुत टू इन वन आई खोल अगे दस दे की कहंदे. शी वाज अवर शो स्टॉपर, इट वाज एन अमेजिंग शो, कुडोस, लाइक इट वाज स्पेशल वर्किंग विद यू, नाइस टू सी यू डार्लिंग. ओ दिस इज द ट्रॉफी. Guys, we are at the Borgo Ludhiana and let me show you the ambience. Itna pyara ambience hai yaar, itna zyada pyara. Yahan pe kitna rush hai guys. Kyunki abhi laya hai hota hai khana mein and bahut hi pyara banaunga. Thank you.
Wow guys, yaar, see the location, see the location. I'm in the love with this location. What a location, yaar. यहाँ पे हट्स हैं, यहाँ पे पूल है, हट्स हैं और लाइटनिंग, इतनी प्यारी डिम डिम लाइटनिंग है यार. जो भी लुधियाना में ना बॉर्गर ज़रूर आना, ये कोई पेड नहीं है, ये मेरा ट्रू रिव्यूज़ हैं मेरे व्लॉग में. तो यार बट बहुत प्यारा है. यहाँ पे रेस्टोरेंट है, बार है, बैंकेट हॉल है, लाइक दिस इज अ फुल रिजॉर्ट जहाँ पे आप छोटी बड़ी कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो. सेपरेट 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 सेक्शंस बने हुए हैं. बहुत प्यारी जगह है यार गाइस लुधियाना में. गिल रोड पे आइए, द बॉर्गो, मज़ा आएगा तुम लोगों को विजिट करके. यहाँ पे ये इनकी बैंकेट है, वहाँ इनका रेस्टोरेंट है और वहाँ इनका बार है और ये सारा है और वो पार्किंग है. गाइस मेरा इवेंट ख़त्म हो चुका है और अब मैंने चेंज कर लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं घर को. तो कब तक मिलती हूँ गाइस. सो गाइस घर पहुँचने के बाद ना मेरे को अलग ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी. मुझे मेकओवर करके जितनी खुशी हुई थी ना, मुझे इसे रिमूव करने में, अपने हेयर स्टाइल सही करने में इतना टाइम लगा. लिटरली मेरे बाल कटे हैं भाई, बाल काटने पड़े हैं रबड़े हटाने के लिए. तो क्या हुआ घर पे जाने के बाद, कैसी हालत हुई है, ये जानने के लिए मेरा सेकंड व्लॉग ज़रूर देखें. मैं इसके बाद पोस्ट करूँगी और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेकंड पार्ट बिल्कुल मिस मत करना गाइस. थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड कीप लविंग मी.